हाँ जी सर, मैं क्लास 11th एक्सरसाइज 23.1, तो ये एक्सरसाइज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, तो आप लोग वो कॉन्सेप्ट को पहले समझ लें, तभी ये एक्सरसाइज पे आए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड दिस स्लोप। मैं पूरा ये क्वेश्चन ही लिखा हूँ, मैं एक बार बोल देता हूँ कि क्या है क्वेश्चन। कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक द फ्लोइंग एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जितने भी एंगल है एक्स एक्सिस के किसके साथ बना रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो जो भी हो, फर्स्ट क्वेश्चन में है -π/4, इसका स्लोप निकालना है। तो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में जो बता चुका हूँ कि ये तो एंगल दिया हुआ है, स्लोप निकालने का क्या है, टैन थीटा। थीटा इज गिवन -π/4, तो थीटा की जगह पुट कर दूंगा टैन -π/4। टैन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टैन थीटा, तो -tan π/4, ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। सेकेंड क्वेश्चन है फर्स्ट का, 2π/3, तो अगेन टैन निकालूंगा, टैन थीटा इक्वल टू व्हाट, थीटा इज गिवेन 2π/3, तो टैन 2π/3। मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा पाई बाई टू के टर्म में, या फिर पाई बाई टू प्लस समथिंग, या फिर पाई प्लस समथिंग, या पाई माइनस समथिंग, तब तो मुझे क्वाड्रेंट पता चलेगा कि किस क्वाड्रेंट में ये आ रहे हैं। क्लियर ना? अगर नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो ये देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, ये तो आप लोग क्लास 10th में जानते ही हैं और क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। तो उसी को मैं अब ये इसमें जानते हैं कि सभी पॉजिटिव होता है, इसमें सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होंगे, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव होते हैं, सेक कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें ऑल। तो वही कॉन्सेप्ट मैं ला रहा हूँ, मैं टैन 2π/3 को मैं लिख सकता हूँ, पाई में से मैं π/3 सब ट्रैक कर दूँ तो 2π/3 आएंगे ना एलसीएम लेने पे, तो पाई यहाँ पे आता है ना, ये 0 π/2 पाई, फिर 3π/2, तो पाई यहाँ तक है। पाई में से कुछ भी माइनस करेंगे किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन निगेटिव, तो मैं इसको लिखूँगा -tan π/3। पाई का टर्म है, नो ट्रांसफॉर्मेशन, टैन का टैन ही रहेगा। टैन पाई बाई थ्री का वैल्यू क्या होता है मालूम है ना, 1/√3, तो माइनस के साथ 1/√3 आ जाएगा वैल्यू। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 3π/4, अगेन ये दिया हुआ है आपको थीटा, तो मैं टैन थीटा निकालूंगा, टैन 3π/4। अगेन मैं इसको ब्रेक करूंगा ताकि मुझे पता चले कि किस क्वाड्रेंट में है, तो मैं टैन पाई प्लस पाई बाई फोर करूँ तो क्या आएगा, ज़्यादा, तो पाई में से मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा π/4। अगेन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो मैं लिखूंगा -tan π/4, ये आपका आएगा -1। लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, π/3 इज गिवेन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टैन थीटा इक्वल टू टैन π/3, तो टैन π/3 का वैल्यू क्या होगा, अगेन मैं यहाँ पे टैन π/3 का वैल्यू, सॉरी टैन π/3 का वैल्यू 1/√3 नहीं होते हैं, ये π/6 का वैल्यू मैं लिख दिया, π/3 का वैल्यू √3 होते हैं, तो ये -√3 होगा, तो यहाँ पे √3 आएंगे, ठीक है ना। मैं π/6 का मैं ये होता है 1/√3, टेन π/6 का मैं इसका लिख दिया था, तो करेक्शन कर लें। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड में कह रहा है आपको फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द फ्लोइंग पॉइंट। दो पॉइंट गिवेन है, तो दो पॉइंट गिवेन है किसी लाइन का, उससे स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ उसका क्या। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दो पॉइंट क्या क्या है, -3/4 एंड 1/4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसको मैं x1 मान लूँगा, इसको y1, इसको x2, इसको y2। दो पॉइंट का फॉर्मूला का दो पॉइंट से स्लोप निकालने का फॉर्मूला है m इक्वल टू y2 माइनस y1,
एक्स टू माइनस एक्स वन, एम बोलें या फिर टैन थीटा बोलें, बात एक ही चीज़ है। तो वाई टू फोर, वाई वन माइनस फोर, वन प्लस थ्री, ये आपका जीरो आ जाएंगे स्लोप सेकेंड का, ठीक है। कोई मिस्टेक हुए हैं क्या, एक मैं देख लेता हूँ। माइनस थ्री टू है, वही सोचूँ कि ग्यारह, ये टू था गिवेन, तो फोर माइनस टू होंगे यहाँ पे, वन में से माइनस थ्री जाएगा, वन माइनस माइनस थ्री तो प्लस हो जाएंगे, माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, और माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस, तो ये टू अपॉन फोर, वन बाई टू, ये आपका स्लोप आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, ए वन सॉरी ए टी वन का स्क्वायर टू ए टी वन, एंड दूसरा का पॉइंट दिया हुआ ए टी टू का स्क्वायर टू ए टी टू, तो इसको एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, अगेन स्लोप निकालूंगा, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला होंगे। वाई टू है टू ए टी टू, वाई वन है टू ए टी वन अपॉन ए टी टू का स्क्वायर ए टी वन का स्क्वायर, टू ए मैं कॉमन ले लूँ तो टी टू माइनस टी वन अंदर ब्रैकेट में ही रह जाएंगे, ए कॉमन लूँ तो टी टू का स्क्वायर माइनस टी वन का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी में ब्रेक करूँगा, ये और ये कैंसिल, तो आपको आंसर आ जाएंगे, और ए से ए कैंसिल तो टी वन प्लस टी टू, ये आपका स्लोप आ जाएंगे सेकेंड का। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड का थर्ड, थर्ड में है थ्री माइनस फाइव एंड वन टू, स्लोप निकालना एम, मैं डायरेक्ट कर दूं टू माइनस माइनस फाइव तो टू प्लस फाइव, वन माइनस टू, ये आपका आ जाएंगे सेवन अपॉन माइनस वन, है ना वन, अच्छा यहाँ पे थ्री है तो माइनस टू, या क्या आ जाएगा आंसर माइनस सेवन बाई टू, सिंपल है। थर्ड में देखिए क्या है क्वेश्चन, स्टेट विद द टू लाइन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग आर पैरेलल परपेंडिकुलर और नाइदर, दिया हुआ है फर्स्ट में क्या है, थ्रो फाइव सिक्स एंड टू थ्री, इसके थ्रू एक दो पॉइंट के थ्रू एक लाइन पास होगा, और एक और लाइन है थ्रो पॉइंट नाइन माइनस टू एंड सिक्स माइनस फाइव, तो क्वेश्चन राइज कर रहे हैं कि इसके थ्रू जो लाइन पास होंगे और इसके दो पॉइंट के थ्रू जब लाइन पास होंगे, क्या वो परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं, या दोनों से कुछ नहीं है, तो इसको फर्स्ट मैं स्लोप निकालूंगा। तो मान लिया कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको पॉइंट सी मान लिया, इसको पॉइंट डी मान लिया, तो ए बी लाइन ड्रॉ होंगे इससे पॉइंट से, तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो वाई टू माइनस वाई वन, थ्री माइनस सिक्स, एक्स टू माइनस एक्स वन, टू माइनस फाइव, यहाँ पे आ जाएंगे माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री वन, यहाँ से मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ लाइन सी डी, वाई टू माइनस वाई वन, तो माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस टू, माइनस फाइव प्लस टू, एक्स टू माइनस एक्स वन, सिक्स माइनस नाइन, तो माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री कैंसिल वन, दोनों लाइन का मैं बोल सकता हूँ कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी, ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन का स्लोप अगर इक्वल है तो बोल सकते हैं ना ए बी जो लाइन होगा पैरेलल टू सी डी। सेकेंड क्वेश्चन, पॉइंट दिया हुआ है नाइन फाइव एंड माइनस वन वन, और एक लाइन पास होगा किसके थ्रू, थ्री माइनस फाइव एंड एट माइनस थ्री,
अगेन मैं इसको मान लिया सपोज P, इसको Q, R, S, तो इसके थ्रू एक लाइन पास होंगे, इसके थ्रू एक लाइन बनेंगे। तो मैं इसका स्लोप निकालूंगा, तो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू वाई टू माइनस वाई वन तो वन माइनस फाइव। आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, थ्योरेटिकली चेक होते हैं तो फॉर्मूला भी देखा जाता है। तो वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन ये लिख कर ही सॉल्व करें, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। वन माइनस फाइव माइनस वन माइनस नाइन माइनस फोर अपॉन माइनस टेन कैंसिल टू अपॉन फाइव। यहाँ निकालूंगा स्लोप ऑफ लाइन आर एस तो वाई टू माइनस तो माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस फाइव एट माइनस थ्री यहाँ से आ जाएंगे टू अपॉन फाइव। अगेन ये क्या हो गया तो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन आर एस। जब दोनों का स्लोप इक्वल है तो हम बोलेंगे कि पी क्यू जो होंगे पैरेलल टू आर एस, पैरेलल लाइन होता तभी तो स्लोप इक्वल आते हैं ना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में दो पॉइंट दिए हुए हैं सिक्स थ्री एंड वन वन और एक पॉइंट दिए हुए हैं माइनस टू फाइव एंड टू माइनस फाइव। अगेन मैं इसको सिमिलरली कुछ भी मान ले सकता हूँ, यही ए बी मान लिया तो ए बी पॉइंट है उसके थ्रू एक लाइन पास होंगे, सी डी माना तो इसके थ्रू एक लाइन पास होंगे। तो इसका स्लोप निकालूंगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी या तो ए बी का स्लोप निकालते हैं वाई टू माइनस वाई वन वन माइनस थ्री एक्स टू माइनस एक्स वन वन माइनस सिक्स तो माइनस टू अपॉन माइनस फाइव टू अप टू बाई फाइव। स्लोप ऑफ लाइन सी डी माइनस फाइव माइनस फाइव टू माइनस माइनस टू टू प्लस टू ये हो जाएंगे माइनस टेन अपॉन सॉरी नहीं दिख रहे होंगे ना, चलिए माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस टेन टू टू या फोर कैंसिल आउट होंगे तो माइनस फाइव अपॉन टू। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखता हूँ स्लोप, सपोज इसको मान लिया एम वन इसको मान लिया एम टू, एम वन इंटू एम टू एम वन है टू बाई फाइव वो है माइनस फाइव बाई टू, इसको ब्रैकेट में ले लूँगा टू से टू कैंसिल फाइव से फाइव कैंसिल क्या आ गया माइनस वन। तो ये कंडीशन किसका है परपेंडिकुलर का, तो मैं बोलूँगा कि ए बी जो होंगे लाइन परपेंडिकुलर होंगे सी डी का। ये हो गया थर्ड का थर्ड क्वेश्चन, तो नोट कर लें। नेक्स्ट थर्ड का फोर्थ, तो अगेन मैं इसको कुछ मान लिया ए बी, इसको सी और डी पॉइंट मान लिया, उसके थ्रू एक लाइन भी ड्रॉ कर दिया तो इसका स्लोप निकालूंगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी सपोज इसको एम वन मान लिया इक्वल टू सिक्स माइनस फिफ्टीन सिक्सटीन माइनस थ्री ये हो जाएंगे माइनस करूँगा तो क्या आएगा माइनस नाइन अपॉन थर्टीन। इसका आएगा स्लोप ऑफ लाइन सी डी सपोज इसको एम टू मान लिया टू माइनस थ्री एट प्लस फाइव तो माइनस वन अपॉन थर्टीन। देखिए ये ना तो इक्वल है और मल्टीप्लाई करने पे माइनस नाइन थर्टीन अब माइनस वन अपॉन थर्टीन माइनस माइनस प्लस नहीं ये मल्टीप्लाई करने पे माइनस वन आ रहा है तो नहीं ये पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है तो क्या आंसर में आ जाएगा नाइदर, दोनों में से कुछ नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लूँ पहले, क्वेश्चन फोर्थ है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, क्या है किसका स्लोप निकालना है एक ऐसा लाइन का जो विच बाइसेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। फर्स्ट का अगर सॉल्यूशन देखूं ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट यही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल में कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री, इसको बाइसेक्ट कर रहा है ये लाइन सपोज मैं एल ले लिया ये बाइसेक्ट कर रहा है तो कितना एंगल बनेगा 45 डिग्री, इसका स्लोप क्या हो गया टैन 45 डिग्री।
व्हाट वन। सेकेंड क्वेश्चन में बीच मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस बोलने का मतलब मेजर कैसे लेना है, एंटी क्लॉक वाइज। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना दूँ, ये एक्स वाई, अब वाई एक्सिस के साथ बनाना है। तो सपोज ये लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो वाई एक्सिस के साथ मेजर कर रहा है और भी एंटी क्लॉक वाइज, ये हो गया ना एंटी क्लॉक वाइज। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। लेकिन मुझे जो स्लोप निकालना है वो तो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन रहना चाहिए ना, मेजर एंटी क्लॉक वाइज। तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितनी हो जाएंगे, 60। तो लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएंगे, 120 डिग्री। तो अब ये बना रहा है तो ये हो जाएगा टैन 120 को मैं ये भी लिख, या फिर ऐसे डायरेक्ट कर दें 90 प्लस 30 कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट, तो माइनस कॉट 30। कॉट 30 का क्या होगा, √3। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल था फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पे। क्वेश्चन है फिफ्थ में कि यूजिंग द मेथड ऑफ स्लोप, स्लोप के हेल्प से मुझे फाइंड आउट करना है, शो करना है कि जो पॉइंट जो गिवन दिया हुआ होगा वो कोलिनियर हो। तो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में कोलिनियर का कॉन्सेप्ट मैं मिस कर गया था, वहाँ बता नहीं पाया था, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सपोज 3 पॉइंट है ए बी सी, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाइक करे, उसको बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर को क्या बोलेंगे, इफ़ 2 or more than या फिर सिंपल मोर देन 2 पॉइंट लाई ऑन सेम लाइन में अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट लाई करेंगे तो उसको बोलेंगे कोलिनियर। अब स्लोप के हेल्प से कैसे पता चलेगा कि ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर करने का मतलब, सपोज मैं अलग अलग बनाऊँ, ये ए बी लाइन है, मैं बी सी को अलग बना दूँ, बी सी को भी अलग बना दिया, है ना। अब ये दोनों कोलिनियर तभी होंगे जब ये और ये दोनों लाइन दोनों को कोइंसाइड कर जाए, या फिर दोनों पैरेलल हो। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये बी को यहाँ पे ला के सी को ऐड करके ला सकते हैं ना, तभी ये बोलेगा कि पैरेलल ही है। जब दो लाइन, और भी कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कि दो लाइन है ए और बी, और कोई पॉइंट है सी डी, सी और डी, उसके लाइन, उसके थ्रू लाइन जा रहा है, ये जब लाइन इसके कोइंसाइड करेगा, मतलब कि ये लाइन इसी पे रख देंगे, तो भी बोलेंगे कि वो दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे का पैरेलल हो। तो बस कोलिनियर का मतलब कि ये ब्रेक भी कर दिया ना, यहाँ से और यहाँ से, ए बी, बी सी और ए सी सब क्या होंगे, एक दूसरे तीसरे को पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट यूज कर लूँगा, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल। तो क्वेश्चन फर्स्ट यही है, तो कोलिनियर हो तो सीधा बोल देंगे कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए सी। अगर ये शो कर देंगे तो बोलेंगे कि क्या है, वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट में है, ए पॉइंट दिया हुआ है 48, बी पॉइंट है 512 और सी पॉइंट है 928। शो करना है कि ये कोलिनियर है। ए बी का मैं मिला दूँ तीनों पॉइंट को, एक स्ट्रेट लाइन बन गया, अब तीनों एक ही लाइन पे हैं। ए बी का स्लोप निकालूँगा, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी y2 - y1, दो पॉइंट से एक लाइन बनते तो उसका स्लोप का यही फॉर्मूला है, x2 - x1। y2 12 ले लिया, x2 y2, तो y2 है 12, y1 है -8, 5 - 4, यहाँ से आ जाएंगे 4। अगेन स्लोप ऑफ लाइन बी सी, ये फॉर्मूला लिखूँगा और डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 28 - 12 एंड 9 - 5,
यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 6 16 अपॉन 4, ये भी कैंसिल हो गया तो 4 आ गया। अगेन स्लोप ऑफ लाइन एसी, तो ये दोनों से भी पता चल गया ना, जोड़ी ना कि एसी आए या नहीं है, एबी का स्लोप बीसी का स्लोप इक्वल आ गए, बोलेंगे कि तीनों क्या है, कोलिनियर है। क्लियर है ना, ऐसे भी निकालना है तो निकाल लीजिए एसी का भी। तो 28 माइनस 8 एंड 9 माइनस 4 तो 20 अपॉन 5, यहाँ से भी स्लोप 4 आया, तो तीनों का स्लोप इक्वल है, तो बोलेंगे हेंस ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। सेम प्रोसीजर सेम फॉलो करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th का सेकेंड, तो ये आप खुद से कर लेंगे डू योर सेल्फ, क्योंकि सेम चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 6 में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई शॉर्ट एट द लाइन, ये दोनों पॉइंट के थ्रू जब लाइन ड्रॉ होगा और इस दोनों पॉइंट के थ्रू जो लाइन होगा वो दोनों लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल। उस कंडीशन को यूज करके मुझे वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ ना, सपोज ये 3y है ये पॉइंट और 27, इससे एक लाइन ड्रॉ कर दिया और ये एक और पॉइंट ले लिया, सपोज यहाँ भी ये है -1 और 4 0 6, पैरेलल है एक दूसरे का, गिवन में है, तो मुझे y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सपोज मान ले लिया ये ए बी और ये सी डी सोल्यूशन में, तो ए बी का स्लोप निकालूँगा, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1, y2 इज 7 - y2 - 3, ये आ जाएंगे आंसर 7 - y/-1, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ तो y - 7 आ जाएंगे। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसको सपोज मैं मान लिया m1, सी डी का स्लोप निकालूँगा, स्लोप ऑफ लाइन सी डी y2 - y1 x2 - x1, 6 - 4 0 - - +, यानी 1 क्या आ गया, 2। सपोज इसको मान लिया m2, अब कंडीशन था कि दोनों लाइन पैरेलल है, तो बोलेंगे 4 पैरेलल लाइन स्लोप इज इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल, तो m1 इक्वल टू m2, m1 इज y - 7 एंड m2 इज 2, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 9। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th में मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7th में कह रहा है कि व्हाट कैन बी सेड रिगार्डिंग अ लाइन इफ इट्स स्लोप इज, कह रहा है कि यदि स्लोप 0 हो तो क्या कहेंगे लाइन का। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूँ कि यदि स्लोप 0 हो तो इसका मतलब कि लाइन जो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए ना, ऐसे अगर मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो इस लाइन के बीच और इस एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0। तो एंगल जब 0 है तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0 नहीं, टैन 0 साइन 0 अपॉन कॉस 0 0 अपॉन 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएंगे ना स्लोप, तो वही तो है, तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है पॉजिटिव आएंगे, यदि स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन कैसा बनेगा, ठीक है ना। तो आगे तो ये जब पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बनेगा ना, जैसे ये देखिए ग्राफ से अगर समझाऊं तो
एक्स एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में कट करेगा। इधर से भी कट कर सकता था और या तो इधर ऐसे भी कट कर सकता था। दो ऑप्शन निकल के आता पॉजिटिव के लिए, इधर से भी आता तो भी पॉजिटिव, इधर से भी आता तो भी पॉजिटिव, है ना, एंटी क्लॉकवाइज में। लेकिन पॉजिटिव कह रहा है तो पॉजिटिव तो दोनों में होगा, लेकिन ये एक्यूट एंगल है और यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल में इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, ऑब्ट्यूज एंगल में क्या आता है वैल्यू, निगेटिव आता है। तो ये तो होगा नहीं, क्या आएगा, एक्यूट एंगल के लिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लाइन मेक एक्यूट एंगल एंड एक्यूट एंगल किसके साथ, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या फिर मेजर एंटी क्लॉकवाइज, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड में यहाँ ही बता दूँ, थर्ड निगेटिव के लिए, तो निगेटिव के लिए ये ऑप्शन सही है। क्या बनाएगा, सारा कुछ लिखेंगे, लाइन मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये ऑप्शन जो ये ग्राफ था थर्ड के लिए था, ऑब्ट्यूज के लिए। क्वेश्चन सेवन सिंपल था, इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप देख लिए ना, कॉन्सेप्ट समझ गए वहाँ पे, तो सारा क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। चलिए नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में जो है आपको, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग 2-3-5-1 इज पैरेलल टू द लाइन, इतना। तो पैरेलल पे मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, सेम प्रोसीजर आप करिएगा। तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट देखिएगा, और नाइन का है परपेंडिकुलर ही शो करना है कि दो लाइन परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन है m1 × m2 = -1, उस पर भी क्वेश्चन करवाया हूँ थर्ड का थर्ड। तो आप ये खुद डू योर सेल्फ कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेंथ मूव करता हूँ। विदाउट यूजिंग पैथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट, तीन पॉइंट दिया हुआ है, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस होंगे, तो कैसे मैं स्टार्ट करूँ। यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो फर्स्ट आप फिगर बना लें, है ना, नेमिंग दे दिया, सपोज ए बी सी, ये 90 डिग्री शो करना है। अब ये ट्रायंगल बनेंगे, ऐसा तो नहीं ना बोल रहा है कि बी ही पे 90 डिग्री हो, वो मे भी हो सके। तो ये ट्रायंगल ऐसा भी बन सकता है जो ए पे हो, ये बी हो, ये सी हो। तो कोई तो एक ट्रायंगल लेके चलेंगे, सपोज मैं ये ट्रायंगल लेके चला। तो जब ये ट्रायंगल लेके चला तो देख रहे हैं कि लाइन ए बी जो है और बी सी जो है दोनों परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं ये शो कर दूं कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी और स्लोप ऑफ लाइन बी सी दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा, तो परपेंडिकुलर शो हो जाएगा। जब परपेंडिकुलर शो हो जाएगा तो किसी भी ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री होता है ना, तो वही काफ़ी है मुझे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए मैं सिंपल ये प्रूफ कर दूँ कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इंटू स्लोप ऑफ लाइन बी सी क्या आना चाहिए, -1। तो हम बोलेंगे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर ना। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यही तो, एक राइट एंगल में एक कोई दो ही लाइन है परपेंडिकुलर हो सकता है 90 डिग्री होने के लिए। चलिए तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, पॉइंट दिया हुआ है ये 0-4 में मान लिया, बी 1-2 दिया हुआ है और सी है 3-3। तो ए बी का स्लोप x1/1 x2/2, तो मैं ये भी ले लेता हूँ y2-y1 x2-x1 इंटू, अगेन इसके लिए भी वही y2-y1 x2-x1 LHS लेके चल रहा हूँ मैं। y2 क्या है, 2-4 1-0 इंटू y2 BC के लिए, तो 3-2 3-1। नाउ इसको सॉल्व करूँ तो यह आ जाएगा -2/1, यहाँ आ जाएगा 1/2, 2 से 2, देखिए -1 आ गया इक्वल टू RHS, बस हो गया प्रूफ। तो बोलेंगे हेंस
ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में है कि प्रूव एट द पॉइंट, चार पॉइंट दिए हुए हैं, शो करना है कि ये रेक्टेंगल का वर्टिसेस होंगे। तो उसके लिए फिर स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करूँगा। रफ में अगर मैं एक, चलिए सॉल्यूशन रफ में नहीं, अगर फिगर बनाना है तो एग्जैक्ट फिगर बना सकते हैं। सपोज मैं मान लिया कि ये रेक्टेंगल है, नेमिंग किसके अनुसार लिखूँ, यहाँ तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मैं सीक्वेंस भी में आप लिख सकते हैं, -4 -1 -2 -4 -4 0 2 3 जैसे दिया था सीक्वेंस में मान लिया। आप नेमिंग देना है तो दे सकते हैं, सपोज इसको ए मान लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हुए ना, ABCD। अब सभी का स्लोप निकालते हैं वन बाय वन। तो स्लोप ऑफ लाइन AB मैं डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूँ, y2 - y1, x2 - x1 आप लिख लेंगे। तो -4 - -1 तो -4 -1 -2 - -2 रहेंगे और माइनस पहले से, तो --+4 -3/2 ये आएगा। स्लोप ऑफ लाइन BC 0 - -+ 4 - -4+2 यानी 4/6 ये 2/3। स्लोप ऑफ लाइन CD तो इसमें x1 y1 x2 y2 तो 3 - 0 2 - 4 तो ये हो जाएंगे 3/-2 तो -3/2। नाउ लास्ट CD की जगह AD ले लेता हूँ। स्लोप ऑफ लाइन AD लिखें या DA लिखें बात एक ही है, तो 3 + 1 2 + 4 4/6 2/3। अब ये रेक्टेंगल हो उसके लिए तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। इट मीन्स कि AB का जो स्लोप होगा, BC का जो स्लोप होगा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखते हैं, सपोज मैं इसको मान लिया m1 m2 m3 m4। तो स्लोप ऑफ लाइन AB m1 into BC m2 देखता हूँ, -3/2 × 2/3 -1 आ रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं हेंस AB परपेंडिकुलर ऑन BC। एक प्रूफ कर दिया ना ये 90 डिग्री है। चलिए उसी तरह से सिमिलरली अब लगा सकते हैं, क्योंकि सब होगा ना एक ही तरह से, होंगे ही होंगे। तो सिमिलरली मैं लगा दूंगा BC परपेंडिकुलर ऑन CD, BC परपेंडिकुलर ऑन DC, नेक्स्ट बोलेंगे DC परपेंडिकुलर ऑन AD, AD परपेंडिकुलर ऑन AB, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही रहेंगे। तो हेंस चारों पॉइंट नेमिंग दे दिया ABCD, तो ABCD इज रेक्टेंगल। इसी का सबका करिएगा आ जाएंगे, सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट 12 है कि 3 पॉइंट 3 पॉइंट दिया हुआ है, लाई ऑन ए लाइन, तीन को पॉइंट है, सपोज AP K ए गिवन H0, पी इज AB एंड K इज 0K। तो जब ऐसा है तो बोलेंगे ना कि AP की कोलिनियर है, तो कोलिनियर का क्या कि स्लोप ऑफ AP स्लोप ऑफ PK दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो बोलेंगे सिंस AP K
आर कोलिनियर सो स्लोप ऑफ लाइन ए पी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन पी के। तो स्लोप ऑफ लाइन ए पी बी माइनस जीरो ए माइनस एच, पी के में के माइनस बी जीरो माइनस ए। तो मैं इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, जीरो तो कैंसिल हो गया, तो बी अपॉन ए माइनस एच के माइनस बी अपॉन माइनस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो माइनस ए बी, यहाँ से मल्टीप्लाई करूं तो ए के, ए से इसमें तो माइनस ए बी, इसमें इसमें तो माइनस एच के, माइनस माइनस प्लस एच बी, माइनस ए बी कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूं, एच के को इधर ले आए, एच के को और ए के प्लस एच बी, दोनों साइड मैं एच के से डिवाइड करूं, तो एच के से डिवाइड करूंगा तो यहाँ तो वन आ जाएंगे। यहाँ अगर ए के अपॉन एच के से इसमें भी डिवाइड करना होगा, एच बी है तो इसमें भी एच के से डिवाइड करना होगा। तो के से तो के कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो वन इक्वल टू ए अपॉन एच बी अपॉन के, यही तो प्रूफ करना था। शो हो गया, ठीक है ना, यही तो शो करना था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन में है कि स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो मैं एक लाइन का अगर स्लोप निकालूंगा और उस तो सेकेंड लाइन का जो स्लोप होगा डबल होगा। मैं मान लिया लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन बी एम, तो सेकेंड लाइन का जो स्लोप होगा टू एम, ऐसा कह रहा है। और अगेन बोल रहा है कि टैंजेंट ऑफ द एंगल, एंगल का जो टैन बनेगा ना टैंजेंट, वो दिया वन बाई थ्री। तो दो स्लोप दिए हुए हैं, उससे जो टैन थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एम टू माइनस एम वन, वन प्लस एम वन इंटू एम टू, ये अभी मोड में निगेटिव नहीं आएंगे। चलिए लेकिन अभी ये तो नहीं मालूम ना, निगेटिव भी आ सकते हैं पॉजिटिव भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, वन बाई थ्री पॉजिटिव दिया हुआ है ना टैन। जब पॉजिटिव दिया है तो ये क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, निगेटिव रहता है यहाँ पे तो निगेटिव लेके चलता मैं। चलिए तो इसके जगह दिया हुआ है वन बाई थ्री, ये पॉजिटिव है तो मॉडुलस हटा दूंगा, तो एम टू टू एम माइनस एम वन में एम, वन प्लस एम वन, इसी को एम वन मान लीजिए, तो एम इंटू टू एम, ये हो गया। इसको बस सॉल्व करना आंसर आ जाएगा, तो वन अपॉन थ्री, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँगा एम, वन प्लस एम इंटू ये जाएगा टू एम स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो वन प्लस टू एम स्क्वायर थ्री एम, इसको इधर ले आऊँ तो टू एम स्क्वायर, इधर आएंगे तो माइनस थ्री एम प्लस वन इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करना है मिडिल टर्म ब्रेक करके, तो टू एम स्क्वायर माइनस टू एम माइनस एम प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसमें से अब कुछ कॉमन लेंगे तो इसमें से टू एम कॉमन ले लूँ तो एम बचेंगे, यहाँ तो माइनस वन बचा, क्या कॉमन लूँ कि यही आ जाए, एम माइनस वन ही को लाना है, इसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस वन कॉमन लूँगा, एम माइनस वन कॉमन आएंगे तो ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ जाएंगे टू एम माइनस वन इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो होंगे या तो ये जीरो होंगे, ये जीरो लूँगा तो एम इक्वल टू वन, ये जीरो लिया तो एम इक्वल टू वन बाई टू, यही आंसर आ गया आपका, या तो ये होंगे या तो ये होंगे दोनों, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर थर्टीन कम्प्लीट, तो नोट कर लें इसे।